क्रिस गार्डनर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग क्रिस गार्डनर। क्रिस गार्डनर, फिर से मिलकर खुशी हुई। क्रिस गार्डनर, खुशी हुई। पिछले आधे घंटे से वहाँ बैठे बैठे बस यही सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या कहूँ आपको जो ये बता सके कि मैं आज आपके सामने इन कपड़ों में क्यों खड़ा हूँ। मैं कुछ ऐसा कहना चाहता था जो मेरी खूबियाँ बताता और जो मुझे यकीन है आपको यहाँ पर ज़रूर पसंद आता, जैसे मेहनती, लगन, मिलनसार, इनमें से ही कुछ। पर मुझे कुछ नहीं सूझा, कुछ भी नहीं। तो सच्चाई ये है कि मुझे पार्किंग की टिकट्स ना भरने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। पार्किंग टिकट्स? हाँ, और अभी मैं यहाँ पोल्क स्टेशन, पुलिस स्टेशन से भागता हुआ आ रहा हूँ। गिरफ्तार होने से पहले कर क्या रहे थे? अपने अपार्टमेंट को पेंट कर रहा था सर। अब सूख गया तुम्हारा अपार्टमेंट? उम्मीद तो है। ये बता रहे थे कि तुम काफ़ी पक्के इरादे के हो। वेल सर, पिछले एक महीने से बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रहा है, वो भी कोई 20 किलो की मशीन के साथ। ये कहते हैं कि तुम स्मार्ट हो। वैसे मैं भी अपने बारे में ऐसा ही मानना चाहूँगा। और तुम ये बिजनेस सीखना चाहते हो? जी सर, सीखना चाहूँगा। क्या तुमने खुद से कुछ सीखना शुरू कर दिया? बिल्कुल सर। जे? यस सर। तुम क्रिस से कितनी बार मिले हो? 2-3 बार तो होगा सर। क्या इसने कभी इस तरह के कपड़े पहने थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। हमेशा जैकेट और टाई में देखा सर। तुम अपनी स्कूल की क्लास में फर्स्ट आते थे ना, हाई स्कूल? जी सर। बच्चे कितने थे उसमें? 12। वो एक छोटा शहर था सर। समझा। पर मैं अपनी रेडार क्लास में जो नेवी में थी उसमें भी फर्स्ट आया था और उसमें 20 बच्चे थे। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? मैं इस किस्म का इंसान हूँ कि अगर आप मुझसे कुछ पूछे और उसका जवाब मुझे नहीं आता होगा तो मैं साफ कह दूंगा कि मुझे नहीं आता। पर मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगे और उसका जवाब मुझे नहीं आता होगा तो मैं जवाब ढूंढ कर लाऊंगा। अब ठीक है क्रिस, तुम क्या कहोगे अगर कोई इंसान मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए, वो भी बिना कमीज के, और मैं फिर भी उसे रख लूं? क्या कहोगे? उस आदमी की पैंट कुछ ज्यादा ही अच्छी होगी। हाँ।